जाता है, भिखारी होता चला जाता है, उसकी उलझने बढ़ती चली जाती है, वो अंदर से हरीस और लालची होकर अंदर से बेताब और बेचैन रहने लगता है, उनका कोरा चेहरा काला होता है। ये एक अजाब है अल्लाह की तरफ से कि माल मिलने के बाद बंदे को सुकून मिलना चाहिए, लेकिन माल मिलने के बाद बेचैनी और बढ़ती चली जाती है और मजीद की हवस उसके दिल दिमाग पे छाती चली जाती है। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है दुनिया के तलबगार के लिए कि माल बढ़ता जाता है बेचैनी बढ़ती जाती है, माल बढ़ता जाता है दिल का दिल की बेचैनी बढ़ती जाती है, माल बढ़ता जाता है एक दर्जन बीमारियां बढ़ती चली जाती है, माल बढ़ता जाता है और हीर से माल बढ़ता चला जाता है। अल्लाह जिस बंदे से नाराज होता है उसे माल देकर उसकी आसूदगी छीन लेता है, और आया है कि अल्लाह जिस बंदे से खुश होता है अल्लाह ताला उसके सीने में सब्र अता कर देता है, अल्लाह ताला उसके सीने में सुकून अता कर देता है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में इत्मीनान अता कर देता है। इसलिए आया है कि अल्लाह ताला का अजाब है बेचैनी, अल्लाह ताला का अजाब है हिर्स, अल्लाह ताला का अजाब है लालच। जो रात में गहरी नींद सो गया, दिन में पांचों वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता रहा, रिज़्क हलाल की तलब में घर से बाहर निकला, जिस तरह एक बाल्टी पानी पीने के बाद प्यास नहीं बुझती, आदमी का पेट फट जाता है, ये अल्लाह का अजाब है, और एक गिलास पानी पीने के बाद बंदे की प्यास बुझ जाए, बंदा आसूदा हो जाता है। तो अल्लाह ताला जिसे सब्र अता कर देता है वही सबसे बड़ा धनी है, वही सबसे बड़ा मालदार है, वही इस दुनिया में भी चैन पाता है। उसी सब्र की बदौलत जब वो मर जाता है तो सब्र का इनाम अल्लाह जन्नत की सूरत में अता फरमा देता है। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता कि तुम कितने खूबसूरत हो, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता कि तुम कितने मालदार हो, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों, तुम्हारी नियतों और तुम्हारे कामों को देखता है। तुम्हारा दिल कितना उजला है और सोच कितनी प्यारी है और काम कितने अच्छे हैं, अल्लाह के नजदीक इसकी कदर है। और नियत अगर अच्छी होती है तो अल्लाह चेहरे पे नूर अता करता है, और काम करने के बाद बंदे को सुरूर और खुशी महसूस होती है, और अल्लाह गैब से उस काम को पाए तकमील तक पहुंचा देता है। बरसात के जमाने में इतना बड़ा जलसा ये अच्छी नियतों का ही नतीजा है। हम लोग हजारीबाग रोड से जब चले तो ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश के ड्राइवर को सामने दिखाई नहीं पड़ रहा था, बिजली चमक रही थी, जोरदार गरज की आवाज हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिर पड़े। लेकिन जैसे जैसे जलसागाह के करीब पहुंचे इस गांव के, वैसे वैसे बारिश बिल्कुल कम होती चली गई, और यहाँ मैंने सूखी जमीन देखा। यहाँ आने के बाद थोड़ी थोड़ी सी फुहार पड़ी और अभी मौसम बिल्कुल साफ तरोताजा और गर्मी भी कम हो गई। इसका मतलब ये निकला कि बहुत दिनों से जलसे की तैयारी हो रही थी ताकि लोग आए और उनके नजदीक अल्लाह रसूल की बात रखी जाए। नियत अच्छी थी, इस माहौल में भी सबसे कामयाब तरीन जलसा हो गया। मैं सारे वॉलंटियर्स, सारे रजाकार सबों को मैं दाद देता हूँ, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। मुखिया जी बहुत खुश इसलिए हैं कि इनकी मेहनत कामयाब हो गई। अगर बारिश हो गई होती तो यहाँ कोई नजर नहीं आता, बारिश हुई और फिर बारिश होगी, मगर अभी हमें अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने के लिए मौसम को खोल दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन। बड़ी जबरदस्त निजामत मौलाना रौनक साहब की आपने समाअत की, और अजमत भाई की नात खानी सैफ रजा कानपुरी की महफिल आधी रात के बाद भी बिल्कुल जवान है, तो जिस तरह से आपने नात सुनी है बस थोड़ी देर उसी अंदाज से तकरीर सुन लें तो जलसा अपने मकसद को पहुंच जाए। एक बंदा भी अगर महफिल से उठ जाता है तो मुकर्रर का दिमाग थोड़ा सा उलझ जाता है,
वो सोचने लगता है कि शायद मैं कोई अच्छी बात नहीं बता रहा, इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और लोग जा रहे हैं। तो वो काम ना करें, जब आ ही गए हैं जलसे में, नहीं आना था नहीं आते, लेकिन जब आ गए हैं तो भरपूर फायदा उठाया जाए, अखीर तक बैठे रहे जब तक के सलाम और दुआ ना हो जाए। मैं तो खिताबत करूंगा, लेकिन मेरे बाद जो आने वाले हैं वो खिताबत कम करेंगे, आपके दिलों को पाकीज़गी ज्यादा अता करेंगे। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। कुछ लोग नात पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ लोग तकरीर करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग तत्हीर करने आते हैं। तत्हीर का मतलब हुआ दिलों को पाक करना, तत्हीर का मतलब हुआ दिल दिमाग में जो वसवसात हैं, जो कचरे हैं, उन सारे कचरों को दूर करना। और ये सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि कपड़ा अगर गंदा हो तो थोड़ी देर के लिए चलेगा, दूसरे को उससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर सोच अगर गंदी हो तो उससे अपना ही नुकसान नहीं है, पूरे समाज का नुकसान। बेशक अगर सोच अच्छी ना हो तो सारा समाज बेचैनी की आग में झुलस जाता है, अगर सोच अच्छी नहीं हो तो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, सोच अच्छी नहीं हो तो हमेशा उसकी जबान से आग ही निकलती है, सोच अगर अच्छी नहीं हो तो हाथ और पांव से गुनाहों का जहूर और सुदूर होता है। तो इस्लाम कपड़े की सफाई पे जोर देता है, लेकिन उससे ज्यादा सोच दिल और दिमाग की सफाई पे जोर देता है। कपड़ा काला रहे चलेगा, लेकिन दिल काला नहीं रहना चाहिए, सोच काली नहीं रहनी चाहिए, आदमी की थॉट अंडरस्टैंडिंग काली नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हमेशा इसका ख्याल रखें कि दिल दिमाग पाकीज़ा रहे। उसके ताल्लुक से कुरान शरीफ में कई जगहों पे आया मुखलिसीन का लफ्ज आया, यानी इस्लाम के तहत मुखलिस हो जाए, सारी दुनिया से कट कर अपने रब करीम का हो जाए, अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर ले, अल्लाह पर भरोसा करके देखो, अल्लाह तुम्हें उस संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ देगा जब सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़े। अल्लाह पर भरोसा करना, यही इस्लाम का सबसे बुनियादी फॉर्मूला। ये यकीन जब बंदे का कमजोर हो जाता है तो आदमी की फिक्र कमजोर हो जाती है, आदमी की सोच काली हो जाती है। आज चूंकि आखिरी बात जो है आखिरत की, यही कमजोर होती चली जा रही है, और अल्लाह पर से एतमाद उठता चला जा रहा है। नतीजे में लोग पैसे कमा तो रहे हैं, मगर चेहरे पे जो चार्मिंग होनी चाहिए वो नहीं है, दिल में जो सुकून होना चाहिए वो नहीं है, घर में जो मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं है, मकानात ऊंचे हो रहे हैं, लोगों के किरदार नीचे हो रहे हैं, सड़कें पुख्ता की बन रही हैं, मगर लोगों का यकीन कमजोर होता जा रहा है। तो आज का जलसा आपको आवाज दे रहा है कि अपने यकीन को पुख्ता कर ले, ये जलसा आपको पैगाम दे रहा है कि अपने दिल और दिमाग को रोशन और मुनव्वर कर ले, ये जलसा आपको मैसेज देता है कि सारी दुनिया मिलकर आपका बिगाड़ना चाहे तो नहीं बिगाड़ पाएगी, अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको संवारना चाहे, और सारी दुनिया मिलकर आपको सवार नहीं पाएगी अगर अल्लाह तबारक व तआला आपका बिगाड़ना चाहे। तो अल्लाह की जात वही है इज्जत देने वाली, वही खुदा है रोजी देने वाला, वही खुदा है जिंदगी देने वाला, वही खुदा है मौत देने वाला, वही खुदा है हमें दुनिया में सुकून देने वाला, वही खुदा है मरने के बाद जन्नत देने वाला, उसी के कब्जे में है सारी सल्तनत, उसी की है सारी बादशाही, वही है जो एक पानी के कतरे से इंसान बनाता है, वही खुदा है जो हमें बोलने समझने सुनने की सलाहियत अता करता है, वही खुदा है जो हमें पेट में पेशाब और पाखाना देकर हमें कमजोर बनाया है, ताकि जब भी तुम्हारे दिमाग में दौलत का, हुस्न का, कपड़े का, इक्तदार का, मनसब का गुरूर छा जाए तो अपने पेट में रखे हुए 2 केजी पाखाना को याद कर लेना,
तुम 5 करोड़ रुपए का कपड़ा पहन सकते हो, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो पेट में 1 केजी पखाना लिए फिरते हो, इसको क्या करोगे? इसको कैसे दूर कर पाओगे? और ये माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक ये खिलाफत तेरे साथ रहती है, ताकि जब भी सीना तान के चलो और लगे कि मैं कुछ हूं, तो कभी कभी सर झुकाकर अपने पेट की गंदगी को भी देख लेना कि तेरे पेट में क्या है। अगर तू उस पर नजर रखेगा तो तेरा गुरूर चूर चूर हो जाएगा, तेरी औकात उसको समझ में आ जाएगा। इसलिए अल्लाह ने हमें नींद देकर कमजोर बनाया, ताकि जब दिन के उजाले में तुम गुरूर और घमंड से काम लो, तो कभी नींद को भी याद कर लेना कि हालत नींद में रुस्तम भी कमजोर हो जाता है, हालत नींद में गामा पहलवान भी मुर्दा हो जाता है, हालत नींद में बड़े बड़े अरबपति कमजोर हो जाते हैं। जब आदमी सो जाता है तो मुर्दा हो जाता है, उसकी कोई गर्दन काट दे, कोई उसके हाथ पांव को काट दे, उसे पता नहीं चलता। ये नींद को मौत असगर कहा गया है, छोटी मौत कहा गया है। जब बंदा नींद से जाग जाता है, तब समझ जाए कि ये बंदा दोबारा जिंदा हो गया। इसलिए हदीस में वो दुआ सिखाई गई है कि सोने के बाद जब उठो वो दुआ पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। इस दुआ का मतलब हुआ कि ए अल्लाह, सारी तारीफ है तेरे लिए जिसने हमें मरने के बाद जिंदा किया। अहयाना बादा मा अमातना, यानी जब तू हमें मुर्दा बना दिया था, तेरा करों एहसान की तूने फिर मुझे दोबारा तूने जिंदा कर दिया। तो मरने के बाद ये सोकर जागने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, और हर माँ बाप को अपने बच्चों को ये दुआ सिखा देनी चाहिए। अभी चूंकि लोग पैसा कमाने में इस कदर महव हो गए, उसे इतना तक खबर नहीं है कि बच्चों का चेहरा देखने के बाद जब अच्छा लगे चेहरा तो क्या पढ़ना चाहिए। बच्चे को जब बुरी नजर लगती है, काला जादू होता है, तो लोग दौड़ के जो बेनमाजी आमिल है उसके पास दौड़ते हैं। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला शेखुल हदीस, वह तो पैसे की तंगी में मुब्तला है, लेकिन बेनमाजी और झूठ बोलने वाला आमिल आज लाखों में खेल रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमारा एतकाद और हमारा ईमान कमजोर हुआ और हम उन आमिलों के पास जाने के लिए मोहताज हो गए। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि जिस मौलवी का एतकाद कमजोर है, वो भी उस आमिलों के दरवाजे पे भीड़ लगाए हुआ है। जिस पीर साहब का यकीन कमजोर है, वो भी उस आमिल के दरवाजे पे खड़ा है। कोई शेखुल हदीस के पास नहीं जाता कि बुखारी में क्या लिखा है मुझको बता दो, मिशकात शरीफ में क्या लिखा है मुझको बता दो, तिर्मिजी और मुस्लिम शरीफ में क्या हमारे लिए गाइडलाइंस दिया गया है मुझको बता दो। कोई नहीं जाता, मेरे पास भी कोई नहीं आता कि हुजूर तकरीरें सुनता हूं, लेकिन 5 घंटे की तकरीर को 1 मिनट में कोई जुमला ऐसा मुझको बता दो ताकि मेरा दिल दिमाग सीधा हो जाए। कोई नहीं आता। जब मैं एक तावीज लिखता हूँ तो 5 लोगों की भीड़ लग जाती है कि हुजूर एक तावीज मुझे भी दे दिया जाए, मुझे ये उलझन है, मुझे ये परेशानी है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही है, मेरी बीवी जो मेरा जीवन साथी है वही मेरे लिए बाहर से अजाब बन गई है। यानी तरह तरह की मुश्किलात में दुनिया मुब्तला, सारे लोग उलझनों में गिरफ्तार है, तावीज के लिए आते हैं। कुरान पाक की एक आयत सुनने के लिए कोई नहीं आता, तावीज के लिए आते हैं, मगर मुस्तफा की हदीस सुनने के लिए कोई नहीं आता। यही वजह है कि मदरसा उजड़ता जा रहा है, झूठे आमिल का दरबार सजता जा रहा है। चेन्नई का एक झूठा आमिल जो दाढ़ी मुंडता था, उसको एक कार बतौर गिफ्ट दे दिया गया। अब वो उस कार को लेके मस्ती कर रहा है कि मौलाना तू बोलता है दाढ़ी रखो, तू तो साइकिल पे चलता है और मैं बगैर दाढ़ी रखे कार पे चल रहा हूँ। तू नमाज पढ़ता है, तुझे पैसे पैसे की हाजत है, और मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ तो भी मेरे पास माल की बहुतात है। ये दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा दी जाती है, इस बात को हमेशा याद रखना। अद दुनिया जीफतुन व तुल्ला बोहा किला, हदीस माया है कि ये दुनिया मिसले मुर्दार के है और इसके तलबगार कुत्ते हैं। चाहे दुनिया का जो भी इंसान हो, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान के देहात तक, जिसके सीने में सिर्फ दौलत की हवस है,
जिसे सिर्फ माल चाहिए, वह माल के तलबगार, जो नमाज रोजे से हटकर सिर्फ माल चाहिए, भले ही वो अपने दिमाग में सोचे कि मैं अरबपति हूं, मैं खरबपति हूं, मैं साफ लैंड लॉर्ड हूं, मगर हदीस की निगाह में वो दुनिया के तलबगार कुत्ते हैं, जैसे मरा हुआ जानवर कोई आदमी नहीं खाता, कुत्ता खाता है। मरी हुई बकरी को कोई आदमी नहीं, कुत्ता खाता है। मरे हुए बैल को कोई आदमी नहीं, बल्कि कुत्ता उसके गोश्त को उधेड़ता है। हदीस में कहा गया, अदुनिया चीफा, ये दुनिया मिसल मुर्दार के है, उसके तलबगार मिसल कुत्ते के है, जो नमाजें छोड़कर सिर्फ पैसा कमाए, जो आखरत को भूलकर सिर्फ पैसे पे नजर रखे, जो हराम और हलाल की तमीज खोकर सिर्फ उसे माल चाहिए, रात में मुर्दार की तरह सोए और दिन में गधे की तरह मुर्दार पे नजर रख गए। हदीस माया है कि जो रात में नमाज नहीं पढ़ता उसकी मिसाल है मुर्दार की तरह, मरे हुए गधे की तरह जो रात भर सोया रहा, उसकी मिसाल है दिन में अगर जो सिर्फ माल माल करता है उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है, जो हमेशा मुर्दे को तलाश करता रहता है। रात भर सोया और दिन भर माल तलाश किया, भले ही मन में वो लगा कि मैंने 10 पैसा कमा लिया, मैंने छोटा सा घर बना लिया, मैंने छोटी सी गाड़ी खरीद ली, मगर अल्लाह ताला जो बंदे का पैदा करने वाला है, वो आदमी की जिंदगी से सब्र छीन कर उसे लालची और हरीस बना देता है। वह माल कमाता रहता है, प्यास उसकी बढ़ती चली जाती है, वह एक मॉल के बाद दूसरे मॉल की चाहत में आगे बढ़ता रहता है, एक कट्टा जमीन के बाद एक एकड़ जमीन की तलब में और ज्यादा हरीस और लालची होता है, पैसा बढ़ता है।